ये देखो हमारी एवेंजर ऐसे जा रही है, उन्होंने बोला मैकेनिक ने न्यू एवेंजर है बिल्कुल, 7000 किलोमीटर चली हुई और रास्ते में ही उसका ब्रेकडाउन हो गया है। दोस्तों आज हम फंस गए हैं, मैं अपनी क्लास में जा रहा था नव्यक के साथ और प्रेरणा अपने ऑफिस जा रही थी और प्रेरणा की बाइक खराब हो गई। वो तो अच्छा हुआ हम दोनों साथ में ही थे, आगे पीछे थे। प्रेरणा ने मुझे कॉल किया और एवेंजर न्यू एवेंजर है बिल्कुल 7000 किलोमीटर चली हुई और रास्ते में ही उसका ब्रेकडाउन हो गया है। तो लेट्स सी, आई नो द प्रॉब्लम इज, एक प्रॉब्लम होती है छोटा सा सेंसर होता है, उसका सेंसर का नट निकल के गिर चुका है जिसकी वजह से वो गियर में डालते ही बाइक बंद हो रही है। बहुत कॉमन प्रॉब्लम है एवेंजर की ये। एक साइड स्टैंड का एक नट होता है कि जब स्टैंड लगा होता है तो बाइक चलती नहीं है, तो उस टाइम वो नट गिर चुका है, सेंसर गिर चुका है, तो अब बाइक को पता नहीं चल पा रहा वो गियर में है, स्टैंड लगा है नहीं लगा, दुनिया भर के अटरम शटरम हो रखे हैं। तो अभी बजाज सर्विस में कॉल किया है, दे आर सेंडिंग किसी बंदे को भी भेज रहे हैं। अभी तो सुबह के 9 बजे हैं तो सर्विस सेंटर भी नहीं खुला है, बट दे आर हेल्पिंग, वो कह रहा है 5-10 मिनट्स में बंदा भेज देते हैं, क्योंकि अभी यहाँ से 2 किलोमीटर है बजाज का शोरूम सर्विस सेंटर, तो प्रेरणा वहाँ तक बाइक खींच नहीं सकती और मैं गाड़ी में नव्या के साथ हूँ। तभी बोलता हूँ प्रेरणा गाड़ी सीख लो, अभी गाड़ी सीखते हो तो तुम चले तो जाते लेंगे, लेकिन इतना जो ट्रैफिक है, इतने अच्छे अच्छे लोग हैं बस। और अभी भी एक स्केरी इंसिडेंट भी हो गया, अब दोनों हम गाड़ी क्रॉस कर रहे थे, दुबुल की लड़ाई होगी रास्ते में और मैं इतना डर गया कि प्रेरणा की बाइक उसके आगे ही बंद हो गई और प्रेरणा लिटरली थोड़ा सा बची उनसे, और वो बुल की लड़ाई इतनी गंदी हुई कि एक बुल तो दूसरा मतलब एक दूसरे को हिट कर रहे थे और एक बुल नाले में गिर गया जाके। नवे कैसे लड़ रहे थे ना वो, नवे भी डर गई देख के, मैंने गाड़ी उसके आगे लगा ली कि प्रेरणा तक ना पहुंचे, अगर वो हिट करते तो गाड़ी को हिट करते। बस बड़ा ही खराब दिन जा रहा है आज, बस वो जल्दी से मैकेनिक आए, बाइक ठीक हो, एक छोटा सा नट है, नट लगते ही बाइक चल जाएगी। चलो लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट, ये तो चलता रहेगा। वो खड़ी प्रेरणा की बाइक, बस जल्दी से मैकेनिक आए, मैकेनिक कहीं उस तरफ से आएगा, उसको मैंने बता दिया है कि हम यहाँ खड़े हैं, बट जल्दी से आ जाए, आज बजाज की सर्विस भी पता चल जाएगी कैसी है। हेल्प करते हैं बजाज वाले, पता चल जाएगा आज। बाइक अभी वारंटी में है और मैं बाइक का रिव्यू वीडियो बनाने की सोच रहा था, अच्छा हुआ एक मुझे पॉइंट मिल गया, क्योंकि मैंने बजाज के कोई पहले लेने से पहले रिव्यूज़ वीडियो देखे थे, तो 2-3 वीडियो मैंने ऐसे भी देखे थे कि एक सेंसर का नट है वो गिर गया तो बाइक बंद हो गई है और बंदा कुछ नहीं कर सकता है, और वो मेरे ख्याल से लोकल मैकेनिक भी शायद कैसे ही फिक्स करेगा, ये टेक्नोलॉजी वाला काम है, इंजन का काम होता है तो बंदा कर देता है। चलो लेट्स सी, अभी आता है बंदा तो मैं आपको देखते हैं कितनी देर में बाइक स्टार्ट होती है। तो दोस्तों ये देखो हमारी एवेंजर ऐसे जा रही है, उन्होंने बोला मैकेनिक ने देखते ही कि इसका जो स्टैंड का सेंसर होता है वही कहीं गिर गया है। हमारे यहाँ की रोड इतनी माशाल्लाह है, ये बाइक डेली इतने गड्ढों में चलती है ना, तो सेंसर क्या अगर बाइक का इंजन भी गिर जाएगा तो मैं उसको मान सकता हूँ कि हाँ गिर सकता है। तो चलो बस ये लेके जा रहे हैं, दे आर वेरी गुड पीपल, आई एम वेरी थैंकफुल टू बजाज सर्विस फरीदाबाद कि उन्होंने फटाफट से इनको भेज दिया इन लोगों को, नहीं तो हम तो समझ ही नहीं आ रहा था क्या करें, क्योंकि नव्या साथ में है, मैं गाड़ी चला रहा हूँ, प्रेरणा को गाड़ी चलानी आती नहीं है और प्रेरणा कैसे इतनी हाईवे पे कैसे बाइक को धक्का लगाती। आई एम वेरी ब्लेस्ड कि मेरे साथ आज ये थे, नहीं मैं अकेली होती तो पता नहीं क्या होता। मैं आता फिर यही होता, बट स्टिल नव्या भी साथ है, दूर होती तो मैं उड़ के आ जाता, हेलीकॉप्टर नहीं खड़ा हमारा छत पे एक। चलो ठीक है, हम मिलते हैं। चलो गाइस मिलते हैं, प्रेरणा का मूड खराब हो गया है, अब प्रेरणा कह रही है मुझे बुल्ट लेनी है, बुल्ट। अच्छा यहाँ से कोई रास्ता होगा ना, यहाँ पे हमारी बाइक को धक्का लगाया जा रहा है और नवु सुबह सुबह चिकन सैंडविच खा रही है, मुझे नहीं दे रही, नहीं खा रही है, रोल खा रही है, चिकन रोल सुबह सुबह, कभी भगवान जी की पूजा कर लिया करो, सुबह सुबह चिकन पेलने में लग जाते हो, आपको इसलिए नहीं दे रहे, आपने पूजा करनी है, मोटू बच्चा। चलो दोस्तों मिलते हैं यार, बड़ा डिप्रेसिंग डे हो जाती है, दिन की शुरुआत ऐसे हो ना। प्रेरणा कह रही कि आपको ऐसे में भी वीडियो बनानी है, मैंने बोला पागली यही तो कंटेंट है, यही तो कंटेंट है प्रेरणा। चलो फोन आ गया किसी का, चलो सर्विस सेंटर से कॉल आ रहा है, दोस्तों मिलते हैं। तो दोस्तों हमने मम्मी को ऑफिस छोड़ दो, ये मेरी चार्ज पानी की बोतल में भरी है। चलो नवे चीयर्स, नवे चार्ज पिएगी, हम पिएंगे एनर्जी ड्रिंक और फटाफट चलेंगे घर, बहुत भूख लगी है। हाउ इज इट नवे, अभी तो टेस्ट भी नहीं करो करो, बढ़िया हमारी बाइक ठीक हो गई है, 200 रुपए लगे एक छोटे से सेंसर के लिए, वारंटी में कवर नहीं होती है चीजें, और नव्या इज नॉट वेल एंड प्रेरणा इज सो हैप्पी इसकी बाइक ठीक हो गई है। नहीं आई एम नॉट हैप्पी, 200 रुपए ले लिए, ऑब्वियस सी बात है, हमारा फॉल्ट थोड़ी ना है। चल कोई नहीं, चल
चलो बाइक मैं पहुंच रहा हूँ। मम्मी बाइक चला रही है, मम्मी को बाइक के बिना मन नहीं लगता। दोस्तों प्रेरणा की बाइक बिल्कुल ठीक हो चुकी है, परफेक्टली चल रही है, स्मूथ चल रही है। और जो प्रॉब्लम हुई थी, जिसका मुझे डाउट था, वही था कि सेंसर, उसका साइड स्टैंड सेंसर कहीं गिर चुका था और जिसकी वजह से बाइक बंद हो जाती है। अगर आप बजाज एवेंजर ओनर है या कोई भी बाइक आप ऐसी यूज़ करें जिसमें साइड स्टैंड लगाते बाइक बंद हो जाती है, आपके रास्ते में जा रहे हैं सडनली आपकी बाइक बंद हो जाए ये, और आप स्टार्ट कर रहे हैं तो सिर्फ न्यूट्रल में स्टार्ट हो रही है और गियर में डालते बंद हो रही है, तो आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ये साइड स्टैंड की ही प्रॉब्लम हो सकती है। बहुत कॉमन प्रॉब्लम है एवेंजर में, तो मैंने पहले वीडियोज़ भी देख चुका हूँ कि ऐसी प्रॉब्लम आती है। और सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है ना इस प्रॉब्लम का, छोटी सी प्रॉब्लम है, लोकल मैकेनिक के पास आई डोंट थिंक सो कि ये सेंसर होता होगा, आपको सर्विस सेंटर ही जाना पड़ेगा इसके लिए। और रास्ते में आप स्ट्रक हो जाते हैं, आप फंस जाते हैं अगर ऐसी कोई छोटी सी प्रॉब्लम हो जाए। इंजन में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, किसी बड़े इंजन पार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, छोटा सा सेंसर होता है वो कहीं गिर जाएगा और तो बस बाइक आपकी बंद हो जाएगी। तो एवेंजर बजाज वालों को इस बारे में कुछ सोचना चाहिए, क्योंकि लोग अगर लॉन्ग टूर कर रहे हैं इस बाइक को, ये सेंसर गिर गया तो उनकी डेफिनेटली वाट लग जाएगी, है ना नव्या? मम्मा फंस गई थी ना उस दिन। तो चलिए गाइस, इसी नोट पे इस वीडियो को क्लोज करते हैं। आई होप यू लाइक टुडेज वीडियो। आई होप ये वीडियो एवेंजर ओनर्स के लिए थोड़ा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकता है। तो ऐसे किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में मिलते हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। एंड इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल फिटनेस ट्रैवर। बाय बाय, फ्लाइंग किड्स।